उस विरोध करने के अधिकार को छीनने का काम किया है. They have tried to take away the right to dissent. They have tried to take away the right to protest. सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का यह कहना कि हम लोग कंडीशंस लगाती है पुलिस, सीमाएं बांधती है जिसके तहत प्रोटेस्ट हो सकता है. अब वो कंडीशंस भी रीजनेबल होनी चाहिए. कंडीशन ये हो सकती है कि आप हिंसा नहीं करोगे. कंडीशन ये हो सकती है कि आप आम आदमी के जनजीवन पे को अस्त-व्यस्त नहीं करोगे. लेकिन कंडीशन ये नहीं हो सकती जो आपके विरोध करने के अधिकार को ही समाप्त कर दे. देर कैन बी नो कंडीशनैलिटीज विच रेंडर रिडंडेंट और ओटियोस योर वेरी राइट टू प्रोटेस्ट. आप कितने दिन प्रोटेस्ट करोगे और किस साइज का प्रोटेस्ट करोगे, यह तो हमने पहली बार सुना है. अ स्मॉल प्रोटेस्ट विल बी अलाउड, अ लार्ज प्रोटेस्ट विल नॉट बी अलाउड. आर दीज मिनिस्टर्स विलिंग टू अंडरटेक गिव एन अंडरटेकिंग टू दिस कंट्री that in future Congress party will never organize a protest of more than 5,000 people? Has in the past Congress party not organized protests which are larger than 5,000 people? Or in BJP ruled states even now? Are they not still organizing such protests? You can't lay down impossible conditions which take away the right to protest or dissent. And this is what this government has tried to do. It is unfortunate that while doing so, political leadership has no courage of conviction, and they are trying to hide behind the men in uniform. ये हमारी conditions नहीं है, हमें पता नहीं है, ये तो पुलिस लगाती है, ये पुलिस ने कार्रवाई की है, हमसे तो पूछ के नहीं की है. ये खेद का विषय है कि राजनीति की भाषा को परिवर्तित करने का प्रयास है. दे आर चेंजिंग द वेरी idiom ऑफ पॉलिटिक्स. व्हाट देयर स्पोक्समैन एंड मिनिस्टर्स टॉक, इट्स स्मैक्स ऑफ स्मगनेस. It shows arrogance and it shows an erroneous impression that power is immortal and that it continues forever. Unfortunately, this is not so. For the last 4 days, a campaign of character assassination has been on. Agar hum Pradhan Mantri ji ki shabdavali ka prayog karein, तो जब वो 5 संपादकों से मिले थे तो उन्होंने अपनी सरकार के संबंध में परसेप्शन क्या है इसके बारे में कहा था. ही सेड वी आर बीइंग परसीव्ड टू बी द मोस्ट डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट इन हिस्ट्री. नाउ हियर इज अ गवर्नमेंट विच इज बीइंग परसीव्ड टू बी द मोस्ट डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट इन हिस्ट्री. And it has almost launched a war against those activists who are fighting for probity. It is not necessary to agree with everything that those people say, but we can't snatch away their right to say that. और इसलिए जो सुषमा जी ने कहा कि लोकतंत्र के सामने और इन लोकतांत्रिक अधिकारों के संबंध में जो प्रश्नचिन्ह खड़े किए इस सरकार ने, उसका उत्तर पुलिस कमिश्नर नहीं दे सकता. उस
उसका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना होगा, वो दोनों सदनों में आए उत्तर दें। जिन लोगों को पकड़ा है उन सबको तुरंत रिहा किया जाए और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं उनको विरोध जाहिर करने का पूर्ण अधिकार हो। यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली शहर में कोई ऐसे स्थान नहीं है जहां शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो नहीं सकते, जहां धरना और उपवास हो नहीं सकता, ऐसे बहुत स्थान हैं। और इसलिए आज जो विपक्ष के नेताओं की बैठक में तय हुआ वो इस प्रकार से जो लोकतंत्र का गला घोटा गया है उसका विरोध संसद के अंदर हम लोग निश्चित रूप से रखेंगे। नहीं, एक मिनट मित्रों, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि कल जो इम्पीचमेंट मोशन राज्यसभा में होना है शायद हम वहां जज को बरी करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अरुण जी उसके बारे में जरूर बता दें जो चेयरमैन के साथ बैठक हुई आपकी, ताकि वो क्लियर हो जाए इन लोगों को। इसके पक्ष में या विपक्ष में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं। चेयरमैन साहब ने उसको जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक जांच समिति होती है उसके सामने रखा था, उसकी रिपोर्ट आई है। नियम के अनुसार दोनों सदनों को एक ही सेशन में उस पर विचार करना है और इसलिए कल जो नोटिस दिया गया है उस मोशन पे आरंभ चर्चा आरंभ करने का 3 बजे ये पार्लियामेंट का ये विचित्र अनुभव है संसद के लिए भी। पार्लियामेंट के दोनों सदन एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है लेकिन ये एक न्यायिक अधिकार है जो उनके पास होता है। इट्स अ जुडिशियल फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये सरकार का काम या विपक्ष के काम का विषय नहीं है। इट्स अ जुडिशियल फंक्शन दैट द हाउस हैज टू परफॉर्म। वो कल 3 बजे होगा। वो नोटिस क्योंकि गया हुआ है जिस न्यायाधीश के संबंध में ये मोशन है वो स्वयं या उनके वकील आएंगे और इसलिए आज हम लोगों ने तय किया है, सरकार से भी बात की है, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये जुडिशियल फंक्शन है हाउस का, इसलिए कल 3 बजे उसके संबंध में राज्यसभा की कार्यवाही होगी।